हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज में आज हम चैप्टर 3 के नेक्स्ट टॉपिक एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्क डन इन सब बातों पर चर्चा की है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति अर्थात इक्विलिब्रियम पोजीशन से घुमाएं तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अपनी साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है। तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण अर्थात टाउ, हम जानते ही हैं टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। जो पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा उनके बीच अंतरित कोण है। इस बल आघूर्ण की प्रकृति वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की है। और जैसे जैसे थीटा परिवर्तित होता है वैसे वैसे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण भी बदलता है। अब यदि टाउ को अर्थात बलयुग्म आघूर्ण को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन थीटा से घुमाएं तब वाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता है। अब वो बल क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ dW का मतलब अनंत सूक्ष्म आरोपित बल है, तो dW बराबर क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो हम जहाँ W बराबर क्या होता है, FD, तो dW बराबर FD थीटा। अगर dW हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और डी थीटा मतलब सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, तो ये हो जाएगा क्या, PE साइन थीटा डी थीटा। अतः वैद्युत क्षेत्र को क्षेत्र की दिशा थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो हम दोनों साइड क्या हो गए, इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट टू थीटा PE साइन थीटा डी थीटा। पी थीटा क्या है, PE क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो PE को हमने बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब अगर हम चूंकि हम साइन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, और ऊपर वाला अपर इंटीग्रल, नीचे वाला नियर लोअर इंटीग्रल, तो माइनस PE ब्रैकेट कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, और ऊपर क्या होगा, एक थीटा और थीटा नॉट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपर लोअर इंटीग्रल है उसकी प्रक्रिया ये रहेगी, तो जो कॉस थीटा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो माइनस PE, तो कॉस एक बार थीटा की जगह पर थीटा और दूसरी बार माइनस करके थीटा की जगह पर थीटा नॉट, तो W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ आपका ये इंटरचेंज हो गया, चूँकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अतः इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा अथवा साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू PE वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा नॉट की वैल्यू हमारी यहाँ क्या गई, एक, कैसे, थीटा नॉट की जगह हमने कंसिडर किया क्या, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, क्लियर। विशेष अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं, वो कंडीशंस क्या हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमा दें तो क्या होगा, तो W इज इक्वल टू PE वन माइनस कॉस थीटा से, तो थीटा क्या होगा, 90 रख देंगे, तो एक होता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो PE वन माइनस जीरो, तो एक से गुणा करने पर PE होगा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हो जाती है कि 90 अंश और घुमा दें, तो 90 पहले घुमाया और 90 फिर घुमाया, तो 90 180, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमा दें तो क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू PE वन माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180। हम जानते हैं कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक, और माइनस पहले भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 PE। तो ये हमारी इसकी कंडीशन है।